लोगों का स्वागत है। साथियों, हम आप लेकर के आए हैं जो मेथड था टीचिंग मेथड, उसी के आगे लेकर के आए हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन लेकर के आए हैं? संश्लेषण मेथड या विश्लेषण मेथड। तो आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण मेथड की चर्चा करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सी टेट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो लोग डायट प्रवक्ता की तैयारी करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आया हुआ था सभी के लिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, एमएड में भी आते हैं, मतलब शिक्षक से संबंधित जितनी भी पोस्ट होगी, बीओ में भी आएगा, यूपीपीसीएस में भी आता है, यहाँ से प्रश्न कन्फर्म आता है। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और समझें कि आखिर में विश्लेषणात्मक विधि होती क्या है। आइए हम चर्चा करते हैं विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि होती क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में एनालिटिकल, एनालिटिक। एनालिटिक मेथड क्या होता है आइए देख लेते हैं। इसमें करता क्या है? तो इसमें जो है गणित, जो है यह गणित के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे ज्यादा उपयोगी अगर कहा जाए तो गणित के लिए होती है। सबसे अधिक उपयोगी किसके लिए हो गई? गणित के लिए हो गई, गणित के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। उसके बाद अन्य विषयों के लिए भी उपयोगी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सभी के लिए उपयोगी होता है। इसमें होता क्या है कि किसी भी थ्योरम अगर दे दिया जाए, सिद्धांत दे, सिद्धांत को सब देते हैं, अगर सिद्धांत दे दिया जाता है, थ्योरम्स दे दिया जाता है, तो सिद्धांतों में इसका प्रयोग करते हैं। सिद्धांतों में क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है, कोई भी अगर थ्योरम आपके पास है तो उन थ्योरम को छोटे छोटे भागों में तोड़कर, थ्योरम्स अगर आपके पास है तो उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे भागों में तोड़ करके फिर उसको जो अध्ययन करना होता है, समस्या को समाधान करना होता है। लेकिन पहले क्या होगा, हमारे सामने विश्लेषणात्मक विधि में यह होता है कि जो समस्या होगी, वो समस्या जो है पहले हमारे सामने पूरी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। समस्या क्या होगी? पूर्ण समस्या को प्रस्तुत किया जाता है। पूर्ण समस्या को क्या होगा? प्रस्तुत कर किया जाता है। माने आपको छोटा समस्या नहीं करेंगे, संपूर्ण समस्या को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और उस संपूर्ण समस्या को अब आपको हल कैसे करना है, तो संपूर्ण समस्या को फिर आपको क्या करना है, छोटे छोटे खंडों में, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, ये खंडों में विभक्त किया जाएगा। खंडों में क्या करेंगे? खंडों में विभक्त करके उसका क्या करना है, समस्या का समाधान खोजा जाता है। और जब तक इस खंडों में विभक्त नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान आप नहीं निकाल पाएंगे। इसमें क्या होता है? इसमें होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें कहां किया जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात की ओर समस्या का समाधान किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन याद करिएगा, यह चलती किधर से है? तो चलेगी ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि पहले आपको समस्या प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन जब समस्या का समाधान करेंगे तो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे। लेकिन यह विधि कैसी रहेगी? जब इसका गुण पूछ लेगा कि यह इसमें कैसे चलते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये पॉइंट आपको बता दे, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि अज्ञात से ज्ञात, ये समस्या को समाधान करने की विधि है, लेकिन ये अनुसरण किसका करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। कैसे? क्योंकि आपके सामने जो है समस्या को प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और जब आपके सामने समस्या प्रस्तुत रहेगी तब उसको कहेंगे ज्ञात। और कहां लेकर चलने हैं? जो आपके पास ज्ञात नहीं होती है उधर की लेकर तरफ चलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? अज्ञात की तरफ लेकर कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो समस्या समाधान करेंगे वह अज्ञात की ओर, लेकिन ये अनुसरण किसका करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर करता है।
इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को जानना जरूरी है। आइए कौन कौन से स्टेप्स का ये पालन करता है, पदों का ये पालन करता है तो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन स्टेप्स का पालन करेगा, पदों का पालन करेगा, स्टेप्स का, किन स्टेप्स का क्या करेगा, पालन करेगा। तो आइए देख लेते हैं किन किन स्टेप्स का वो पालन करता है। पहले करना क्या होता है, पहले समस्या का आपको प्रस्तुतिकरण करना होगा। पहला क्या होगा, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना होता है। मतलब क्या हो गया, मतलब छात्रों के सामने समस्या को प्रस्तुत करना, इसका अर्थ हो गया छात्रों के सामने समस्या को प्रस्तुत करना। छात्रों के सामने क्या करेंगे, समस्या को प्रस्तुत कर दिया जाता है। किसके सामने, पहला, तो पहला स्टेप हो गया समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। दूसरा होता है समस्या का निरीक्षण करना। अब समस्या का क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, मतलब अब समझिए इसका अर्थ हो गया समस्या का अवलोकन करके समझने का प्रयास करना होता है। समस्या का, ये सब याद रखना है, समस्या का क्या करना है, अवलोकन करके उसको क्या करना है, समझने का प्रयास किया जाता है। तो उसको अवलोकन करके समझने का प्रयास किया जाएगा। फिर क्या होगा, समस्या का विश्लेषण किया जाएगा। ये स्टेप हो गए, समस्या का विश्लेषण किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, समस्या का विश्लेषण किया जाएगा। इसमें क्या जाएगा, तर्क के द्वारा छात्र जो होता है उसमें समस्या का समाधान खोजता है, माने तर्क विचार के द्वारा क्या करेगा, छात्र समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने स्टेप्स से होकर के गुजरता है। पहला स्टेप होता है समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, दूसरा होता है समस्या का निरीक्षण करना, तीसरा होता है समस्या का विश्लेषण करना। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, हो गया सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब चलते हैं इसके गुणों को बता देते हैं कि आखिर में विश्लेषणात्मक जो है, जो विश्लेषणात्मक विधि है उसके कौन से प्रॉपर्टी हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है, गुण है, ये पूछा होता है, इसी को लिखना होता है। इसमें होता क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। गुण में पहला क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इससे ज्ञान अस्थाई होता है, अस्थाई ज्ञान प्राप्त होती है। तीसरा हो गया, इसमें स्वयं करके बच्चा सीखना। इसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं करके सीखता है। इसमें तर्क वितर्क निरीक्षण का विकास होता है। फिर इसमें छात्र शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं, छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर
अज्ञात की ओर अग्रसर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये वो है सूत्र होता है। तो पूछता है कि उन सूत्रों का अनुसरण करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपको बताया गया कि यह कैसी विधि है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, तर्क वितर्क निरीक्षण का विकास होता है, ज्ञात से अज्ञात की, मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें आपके सामने समस्या प्रस्तुत कर दिया जाएगा और उसको बच्चा देखेगा और फिर उसमें विचार करेगा, तर्क वितर्क करेगा, फिर उस समस्या को क्या करेगा, समाधान करेगा। तो जो है ये हो गया कि आपका ये विश्लेषणात्मक विधि हो गई। अब हम बताएंगे संश्लेषणात्मक विधि, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो साथियों, जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।